सुहास एलवाई, विकलांगता पैरालंपिक आईएएस। भारत में आईएएस अधिकारियों पर देश की जनता की सेवा और सुरक्षा का जिम्मा होता है। देश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में गिने जाने वाले सुहास एलवाई अपने काम में ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आज उनकी पहचान यही नहीं है, आज वह देश के पैरालंपिक मेडलिस्ट भी हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईएएस अधिकारी से लेकर पैरा शटलर तक एक खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी के एक इस शानदार सफर में कभी अपनी कमी को आड़े नहीं आने दिया। तो कैसा रहा इनका सफर और इन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बचपन से दिव्यांग सुहास ने जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपनी इस कमजोरी का रोना नहीं रोया, बल्कि इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। दाएं पैर में विकार होने के बावजूद जब सुहास बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने यह साबित कर दिया। कर्नाटक के सुहास के टखनों में विकार है। सुहास को उनके माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सुहास ने इंजीनियरिंग को चुना। इंजीनियरिंग के बाद भी उन्हें किसी की चीज की कमी घल रही थी। साल 2005 में पिता की मृत्यु के बाद सुहास टूट गए थे। सुहास ने बताया था कि उनके जीवन में पिता का महत्वपूर्ण स्थान था। पिता की कमी खलती रही, उनका जाना सुहास के लिए बड़ा झटका था। इसी बीच सुहास ने ठान लिया कि अब सिविल सर्विसेज से जुड़ेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू की। साल 2007 में वह आईएएस अधिकारी बन गए। पिछले साल कोरोना की त्रासदी के समय उन्हें नोएडा का डीएम बनाया गया। स्कूल से इंजीनियरिंग से लेकर डीएम बनने तक खेल हमेशा ही उनके जीवन का एक हिस्सा रहा। वह कॉलेज के दिनों से ही रोजाना बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं। आईएएस अकेडमी में भी वह बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। यही उन्हें साई कोच एमएम पांडे मिले, जिन्होंने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग करवाई। हालांकि तब भी सुहास के मन में इसमें करियर बनाने की इच्छा नहीं थी। एक हैरान करने वाली बात यह है कि सुहास ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक टूर्नामेंट के उद्घाटन में अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ उन्होंने खिलाड़ियों के साथ खेलने की इच्छा जाहिर की। उन्हें तब राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को हरा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस जगह पर देश की पैरा बैडमिंटन टीम के वर्तमान कोच गौरव खन्ना ने उन्हें देखा और इसे पेशेवर के तौर पर अपनाने की सलाह दी। उसी साल उन्होंने बीजिंग में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले गैर रैंक वाले खिलाड़ी बन गए। अगस्त के अंतिम सप्ताह में टोक्यो जाने से पहले जब सुहास ने उनके बैडमिंटन अभ्यास और डीएम के रूप में काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं दिन के सभी काम खत्म होने के बाद रात 10 बजे से 2 घंटे तक अभ्यास करता था। मैं लगभग 6 वर्षों से इस तरह से अपने खेल और प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रबंध कर रहा हूं। सुहास एलवाई मेहनत के साथ साथ भगवान को भी काफी मानते हैं। सुहास जब भी टूर्नामेंट में मैच खेलने जाते हैं तो कोर्ट में उतरने से पहले भगवान हनुमान की मूर्ति को रख कर जाते हैं। उनका कहना है कि भगवान की मूर्ति पास होने से उन्हें ताकत और आत्मविश्वास मिलता है। ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी जिन्होंने कभी अपनी विकलांगता को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और न केवल स्पोर्ट्स फील्ड बल्कि सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा में भी आईएएस अधिकारी बन गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी कहानी से कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। आप कौन से आईएएस ऑफिसर की कहानी जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर केवल बहुत ही जल्द वीडियो जरूर निकालेंगे। और दोस्तों, एक और ही बेहद जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे साथ न्यूली अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पर जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।